हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्त 3 टिप्स जो आपको देखकर चौंक जाएंगे और आप कहेंगे काश पहले पता होता। अक्सर हमारे घर में टिश्यू पेपर होते हैं और हम उनको डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं और जब हम एक निकालते हैं तो इस तरह से रखते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं और एक निकालते हैं तो उसके साथ 3-4 निकल जाते हैं जिससे हमारे जो टिश्यू पेपर होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते। आपको मैं ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आप टिश्यू पेपर को अगर एक उठाएंगे तो एक ही उठेगा, सारे एक साथ नहीं उठेंगे और वो रखे हुए भी डाइनिंग टेबल पर बहुत खूबसूरत लगेंगे। चलिए एक आसान सा तरीका आज हम आपको बताते हैं। इस तरह से हमने ये टिश्यू पेपर ले लिए हैं जिससे हम प्लेट वगैरह में रखते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं और देखिए अब मैं ये प्लेट के कमाल से आपको इसको कितना खूबसूरत बना के दिखाऊँगी। बिल्कुल फ्लावर की तरह ये बन जाएगा। बस आपको एक प्लेट ले लेनी है कैसी भी और आपको इस तरह से इसे घुमाते जाना है, कुछ नहीं करना है, बस घुमाते जाना है। तब तक के लिए फ्लावर सा ना बन जाए आपको इसी तरह से घुमाते रहना है और ऐसे आपका फ्लावर भी बहुत खूबसूरत लगेगा ये। और अगर आप एक उठाएंगे टिश्यू पेपर तो ये एक ही उठेगा, ये रखे हुए भी खूबसूरत लगेंगे और ये उठाने वेस्टेज भी नहीं होंगे। आप ये आइडिया आप भी अपनाइएगा और ये आइडिया आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के लिए हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ये देखिए डाइनिंग टेबल पे मैंने रख दिए हैं, कितने खूबसूरती से लग रहे हैं और अगर आप एक उठाएंगे तो एक ही उठेगा। वो गया ना ज़बरदस्त सा तरीका, ये तरीका आप ज़रूर से ज़रूर आजमा के देखिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा मुझे ताकि मैं आपके लिए कुछ बेहतर बना सकूं। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर जब गर्मियां सर्दियां वगैरह होती हैं और हम फ्रूट रख देते हैं तो उसमें छोटे छोटे मच्छर जो होते हैं वो कीड़े टाइप के वो आते रहते हैं। ये आपको वीडियो में भी दिख रहे होंगे कि ये उड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको बस एक तरीका अपनाना है। वाइट विनेगर लेना है और ये उस पर थोड़ा सी कॉटन पे विनेगर ऐड डालना है और जिस भी फ्रूट टोकरी को आपने रखा हो उसके सारे सारे में ये लगा दें। इससे ये बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे और आपके फ्रूट फ्रिज में रखते हैं तो ठंडे लगते हैं और बाहर सेफ नहीं रहते, इस तरह से कीड़े आने लगते हैं। तो आप ये इस्तेमाल कीजिए, ये तरीका आपको बहुत बेस्ट लगेगा। ये देखिए इस तरह से आपको विनेगर लगा देना है, बिल्कुल भी एक भी कीड़ा या मच्छर छोटे छोटे से जो आते हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। है ना ज़बरदस्त सी टिप्स। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये है हमारी 3rd टिप्स। ये हमारी विम बार की जो बोतल होती है अक्सर हम इसे फेंक देते हैं और ये बड़े काम आने वाली टिप्स है। ये देखिए इसको अच्छे से बहुत अच्छे से आपको वॉश करना है। ये मेरी विम जेल की थी जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं, इसमें मैंने 2 दिन पानी भी भर के रखा ताकि इसमें जेल की महक बिल्कुल ना आए और हमारा जो हम भी जो इसमें हमें करें वो हमारा ठीक रहे। ये देखिए अब इसमें हम ऑयल डालेंगे और ये हमारा जो कुकिंग ऑयल की बोतल होती है उसका उसके काम आएगी। बहुत ही यूज़फुल तरीका है ये। इस तरह से हम जो बड़ी हमारी बोतल होती है उसमें से थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेंगे और जब आप आमलेट वगैरह या कुछ भी पराठा वगैरह बनाते हैं तो आप इसकी मदद से आसानी से अपना काम कर सकते हैं। और ये देखिए घर में ही बन गई ना बोतल, कितनी अच्छी जो हम कुकिंग ऑयल लाते की बोतल लाते हैं और काफ़ी रेसिपी लाते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा यूज़फुल सा तरीका है। बस इसको आप इसको छुटा दें और इस पर ऑयल लिख लें, आप अपने हिसाब से जैसे भी करना चाहें जो आपको अच्छा लगे। बन गया ना ऑर्गेनाइज़र। ये टिप्स आपको बहुत मेरी तीनों ही टिप्स आपको बहुत अच्छी लगेंगी और इसको गर्म पानी में हम इस तरह डालेंगे ताकि ये जो हमारा ये जो इस पे लगा हुआ है वो छूट जाए। ये इजीली छूट भी जाता है। बहुत अच्छा बहुत यूज़फुल तरीका है। बहुत ही फ्री की ऑर्गेनाइज़र आपकी कुकिंग ऑयल की बोतल बन के रेडी हुई है। आपको ये ज़बरदस्त लगेगा देखिए और अब आप आसानी से इसमें से कुछ भी निकालें, आपका वेस्ट भी नहीं जाएगा और बहुत आसानी से आपका यूज़फुल सा हमारा ये। टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक फिर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।